हाई एंड वेलकम टू दी हाई फ्री सिस्टारो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है आई होप आप सब खुश हो हेल्दी हो अपना ख्याल रख रहे हो सो लेट एस सी हियर लियोज वॉट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज फॉर एप्रिल um, first half, April part वन reading, and ये एक general reading है so please जितना resonate करे उतना ही लीजिए and जो resonate ना करे उसे आप यहीं पर छोड़ के जा सकते हैं मेरे बारे में सारा information नीचे description box में आपको दिया हुआ मिलेगा आप वहाँ से जाके बिल्कुल check कर सकते हैं Let's see what's coming. For my Leos out there, let's see. We have a bone collector, which hai A new start is coming, new moon. So, here is number one, hai, and here is a new start. Hai. I feel like Leos, this is talking to you about. You know. आई आई एम फीलिंग दिस एनर्जी ऑफ इट्स टाइम कि आप एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट करें मतलब ये जोग्राफिकल शिफ्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ कि आप एक सिटी से दूसरे शहर में जा रहे हो नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट आपका मेंटल स्थिति आपका इमोशनल स्थिति आप जैसे महसूस कर रहे हो आपका जो नज़रिया है नॉर्मल आपका लाइफ जैसे चल रहा है जिन सिचुएशंस में आप घिरे हुए हैं या आप अपने बारे में जो कुछ भी सोचते हैं लाइक like जिंदगी जैसे बीत रहा है लेटली आप उस जगह से अब नेक्स्ट चैप्टर में मूव करें बिकॉज आप बहुत ज़्यादा समय कहीं पर बिता रहे हो आपने ऑलमोस्ट उस चीज़ को अपना कम्फर्ट जोन बना लिया है एंड एंड यूनिवर्स इज संग लियोज दैट अगर आप इस जगह को अपना कम्फर्ट जोन बना लेंगे तो आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसे एक जगह में हो या आप महसूस कर सकते हो अप्रैल में कि आप एक ऐसे कंफर्ट जोन में हैं जहाँ पे आपका आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका पर्पस क्या है या इसके आगे आप क्या कर सकते हैं वॉट इज़ हैपनिंग लाइक आपको लग रहा है कि मैं जहाँ भी हूँ मैं खुश हूँ मैं अपना गुजारा कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे क्या जरूरत है बट इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में जाओ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप आ, ऐसे ऐसे मत दिखो आप कुछ और करो अपने लुक्स को लेके मैं बाहरी दुनिया के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ जो आपके अंदर हो रहा है आप जैसा महसूस कर रहे हो आप अपने लाइफ को जिस नज़रिए से देख रहे हो आप अपने आप के बारे में जो सोच विचार राय रख रहे हो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट दैट उसमें अब चेंज लाना बहुत जरूरी हो गया है काफ़ी समय से आप एक ही टाइप का बिलीफ uh, सिस्टम आप एक ही नज़रिया लेके बैठे हो यहाँ पे एंड दुनिया आगे बढ़ रही है सिचुएशंस चेंज हो रहे हैं लोग चेंज हो रहे हैं लोगों की एनर्जीज चेंज हो रही है तो अगर आप सेम तरीके से अभी भी लोगों को जज करेंगे एंड सेम तरीके से सेम नज़रिए से अगर आप ऐसे ही लोगों को देखते रहेंगे सिचुएशंस को परखेंगे तो ऑफकोर्स कोई कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आप दस साल पहले या आप दस महीने पहले एक सिचुएशन के बारे में जो सोचते थे आज वो सिचुएशन बदल चुका है तो आज आप क्या सोचोगे वो आज के ऊपर डिपेंड करना चाहिए ना ही कि दस महीने पहले आप कैसे सोचते थे कैसे देखते थे क्या महसूस करते थे वो सारी चीज़ें अब इनवैलिड हो गया है सो यू नीड टू चेंज यू नीड टू मूव एनर्जेटिकली चेंजेस लाना बहुत इम्पॉटेंट है न्यू चैप्टर को शुरू होने देना बहुत इम्पॉर्टेंट है इन बैगेजेस को यहीं तक छोड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है यू कैन कैरी फॉरवर्ड एवरी आप हर एक चीज़ को हर एक एक्सपीरियंस को हर एक आ, पसंद नापसंद को साथ में लेके कैरी फॉरवर्ड करके नहीं चल सकते इतना बड़ा बैगेज आप बना के आगे नहीं बढ़ सकते कुछ चीज़ों कुछ सामान को यहीं पर रखना होगा क्योंकि आगे चीजें चेंज होने वाली है आप चेंज होने वाले हो सिचुएशंस लोग सब 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 चेंज होने वाले हैं ऑलरेडी होने लगे हैं क्योंकि ये नियम है दुनिया का चेंज आना ही आना है नोबडी कैन स्टॉप दैट पर आप अगर इस टाइम पे इस कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे सी आई एम गेटिंग दिस एनर्जी आपका मेन फोकस जो है वो आपके करियर पे है आपका फाइनेंस, आपका करियर आपका एकेडमिक्स एडुकेशन एंड उसमें आप काफ़ी स्ट्रगल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं पर स्ट्रगल कहना भी पूरी तरीके से सही नहीं होगा क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं आपने बहुत समय के बाद या तो अपने एकेडमिक्स को इतना सीरियसली लिया है या आप इतना मेहनत एक साथ में कर रहे हो बहुत समय के बाद या तो आई कैन डेफिनेटली सी हियर दैट इस वक्त आप पहले से बेटर परफॉर्म कर रहे हो लेकिन इन सब के पीछे आई सी यू बींग वेरी डेडिकेटेड लाइक अपना जी जान लगा के आप मेहनत कर रहे हो आप अपना हंड्रेड परसेंट दे रहे हो यू you नो know, आप बस ये आपके ध्यान में बस यही है कि मुझे करना है या तो आपको कोई एग्ज़ाम पास करना है या तो इंटरव्यू क्रैक करना है या तो अपने यू नो आई डोंट नो टारगेट को फुलफ़िल करना है अपने जॉब में या आपको कुछ प्रमोशन के लिए करना है परफॉर्म करना है बेटर या बिजनेस बढ़ाना है आपने प्रॉफिट कुछ कमाना है वॉट एवर दैट इज बट आपने ठान लिया है कि इस बार मुझे ये करके ही दम लेना है एंड आप उसके पीछे 100% मेहनत कर रहे हो जेन्यनली कर रहे हो ऑनेस्टली कर रहे हो विच इज़ वेरी नाइस बिकॉज आई सी दैट ये मेहनत आपने काफी टाइम से नहीं किया है ये टाइप का मेहनत इस लेवल का डेडिकेशन काफी टाइम से आपके अंदर नहीं था जो अभी है या आपने लाया है इस चीज को ना एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी ऑफ देर समबडी जो आपको हेल्प करना चाहते हैं या जिसके थ्रू um, आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो बिकॉज ये पर्सन या तो आपके um, कुछ लाइक फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या तो ये आपके फ्रेंड्स में से कोई हो सकते हैं कलीग बॉस कोई भी हो सकता है या हो सकती है बट दिस इज़ साम्बली जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि हाँ अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ या सकता हूँ अगर um, ये मुझे इतने अच्छे से गाइड कर रहे हैं, ये मुझे इतने अच्छे से ज्ञान दे रहे हैं ये मुझे इतने अच्छे से एडुकेट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता मैं क्यों नहीं कर सकती एटलीस्ट आई कैन ट्राई सो समबडी हियर इज़ इन्फ्लुएंसिंग यू इन अ पॉजिटिव वे एंड जिसके नक्शे कदम पर चल कर आप काइंड ऑफ बेटर परफॉर्म भी कर पा रहे हो नाउ आई फील लाइक आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा सिचुएशन स्टक है बिकॉज आई फील ने आई फील लाइक आपने कुछ एक्सपेक्ट किया है किसी से या जनरली आप एक्सपेक्टेशन्स रख रहे हो अपने आस पास के लोगों से चाहे वो लवर है आपके चाहे फ्रेंड्स है या किसी भी इंसान जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड है बट आई फील लाइक ये पर्सन हर बार आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं हर बार ये आपके एक्सपेक्टेशन पर खड़े नहीं उतर रहे हर बार आपको ये कुछ नया ही दिखा रहे हैं नया पहलू नया पिक्चर uh, एक नई स्टोरी कहीं ना कहीं से शुरू हो रही है सो यू आर नाउ काइंड ऑफ़ इस इन दिस एनर्जी ऑफ यार मैं थक चुकी हूँ या मुझसे और नहीं हो पाएगा या मैं कितना सहूँ मैं कितना करूँ मैं कितना टाइम दूँ ये वो यू आर ऑलमोस्ट इन इन सिचुएशन जहाँ पे आप इसे छोड़ना भी नहीं चाहते इस सिचुएशन को इस पर्सन को पर आप में अब वो नहीं बचा वो मेहनत करने वाला एनर्जी की मैं अभी भी इस कनेक्शन के लिए लड़ूँ मैं अभी भी इस पर्सन को कुछ समझाऊँ मैं अभी भी इस पर्सन के लिए बैठी रहूँ मैनिफेस्ट करूँ वॉटैवर सो आप काइंड kind ऑफ of थक चुके हो सिचुएशन से एंड यूनिवर्स इज सेंग दैट ये थकना ये टायर्ड होना आपका जायज़ भी है और ज़रूरी भी है बिकॉज यू नो आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको ये डेफिनेटली समझ में आएगा कि कुछ समय से आप इस सिचुएशन के सबसे बड़े रेस्पांसिबिलिटीज आप उठा रहे थे एट्टी परसेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप उठा रहे थे तो ट्वेंटी परसेंट आपके पर्सन एंड जिसके वजह से कहीं ना कहीं पर ये या तो टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया कि अच्छा लियो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा या लेगी मैं क्यों कुछ करूँ लियो को ज़्यादा पता होगा लियो ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा लियो तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा पार्टिसिपेटिव है इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन्वेस्टेड है इस कनेक्शन में कि मुझे फिक्र ही नहीं है मुझे सोचना ही नहीं पड़ता मुझे ये सब मैं कुछ भी कर सकता हूँ मैं कुछ भी बोल सकती हूँ मैं कैसे भी बिहेव कर सकती हूँ एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम बट फाइनली यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू कि टेक अ स्टेप बैक यू नो सिट ऑन द बैक सीट आप और इस सिचुएशन को अकेले ड्राइव नहीं कर सकते आपके पर्सन के साइड से कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन ज़रूरी है इक्वल गिव एंड टेक के बिना संभव नहीं है कोई भी कनेक्शन को हेल्दी तरीके से आगे बढ़ा के लेकर जाना एंड यहीं पे वही हो रहा है कि ये जो हेल्दी लाइक ये सिचुएशन अनहेल्दी हो गया है क्योंकि एक इंसान है जिसके ऊपर बोझ है दूसरा इंसान टेकन फॉर ग्रांटेड है सो यू हैव टू गिव दिस टाइम यू नो लियो दिस इज़ अ टाइम जब पर्सनल पर्सनली आपके लव में या आपके नॉर्मल लाइफ में इमोशंस अगर इन्वेस्टेड है तो आपको एक चॉइस करना पड़ेगा या तो आप इस पूरे बैगेज को अपने कंधे पर लो एंड आप झेलते रहो आप करते रहो आप ही वो सारा इन्वेस्टमेंट आप ही वो सारा टेंशन सर दर्द अपने सर पर लो आने से आगे बढ़ाओ या तो आप कुछ टाइम के लिए पीछे हट रेस्ट लो एंड देखो दैट कैसे ये पर्सन रियलाइज़ करते हैं कैसे सामने वाला इंसान भी सोचता है कि हाँ मुझे भी कुछ कर लेना चाहिए था या मेरी गलती कहाँ पर थी मैंने क्या गलत किया सो so, आपको सिर्फ़ आपके ऊपर उंगली उठाने से इस इंसान को तभी फुर्सत मिलेगा जब आप थोड़ा सा स्टेप बैक करेंगे एंड जैसे ही आप स्टेप बैक करेंगे तभी इस पर्सन को काइंड kind ऑफ of अपने आप को देखने का मौका मिलेगा कि वो इस पूरे सिचुएशन में कहाँ पर थे कैसे थे कैसे रिएक्ट किया कैसे बिहेव किया कैसे डिसीजन लिया एवरीथिंग। एंड देन यू विल गेट दिस क्लैरिटी कि डू यू रियली डिजर्व दिस पर्सन और नॉट क्या सच में ये वही आपका डिवाइन कनेक्शन है भी या नहीं अगर है तो अब इस इंसान की बारी है टू रियलाइज दैट ओके सो यू हैव टू बी पेशेंट विद दिस सिचुएशन यू हैव टू बी काम यू हैव टू बी ऑन द बैक सीट